बीजेपी की मीटिंग से पहले पीएम मोदी का रोड शो, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, 9 राज्यों के चुनाव की स्ट्रेटजी बनेगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी शामिल होंगे। दो दिन की इस मीटिंग से पहले सोमवार को भाजपा दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा रोड शो भी करेगी। ये रोड शो पटेल चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक निकाला जाएगा। भाजपा की यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बैठक शुरू होने के महज हफ्ते भर बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का ही वक्त बचा है, इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। वहीं भाजपा संविधान के नियमों के मुताबिक नड्डा को एक्सटेंशन मिलने के आसार है। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की एक अहम वजह इसी साल के आखिर में होने वाले 9 विधानसभाओं के चुनाव भी है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मई जून के बीच चुनाव कराए जाने के आसार है। अगर जेपी नड्डा के नाम पर किसी वजह से सहमति नहीं बनती है तो भूपेंद्र यादव का नाम रेस में सबसे आगे है। वहीं गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल को केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।